यह तो हम सभी जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में कई चमत्कारिक देवी देवताओं का वास है। आज हम आपको इस वीडियो में देवभूमि के उस चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक बड़ा मिथक भी जुड़ा है। इसी चमत्कार और मिथक ने कई राजनीतिज्ञों के सियासी करियर पर ब्रेक लगा दी। जिस भी विधायक या नेता ने इस मंदिर में आकर झूठे वादे किए वह कभी भी इस सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीता। हम ऐसा इसीलिए नहीं कह रहे, इससे पहले आपको इस चमत्कारिक मंदिर की पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में कल्याणी नदी के किनारे बसा 1200 साल पुराना मंदिर अटारिया माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। माँ अटारिया धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं के अगाध श्रद्धा का केंद्र है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुँचते हैं। 1200 वर्ष पुराना यह मंदिर उत्तराखंड के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। साल 1588 ईस्वी के समीप भारत में मुगल शासक अकबर का शासन रहा। मुगलों के शासक काल के दौरान आक्रमणकारी मुगल शासक अकबर ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। लिया जाए 1600 ईस्वी के आसपास कुमाऊं में चंद्र राजाओं का शासन रहा, जिसके बाद तराई का क्षेत्र राजा रुद्रचंद्र के कब्जे में आया। इसी दौरान रुद्रपुर शहर का नाम भी रुद्रचंद्र के नाम से पड़ा। बताया जाता है कि राजा रुद्रचंद्र एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे, तभी उनके रथ का पहिया दलदल में फंस गया। पहिया नहीं निकलने पर राजा ने उसी स्थान पर रात्रि में विश्राम करने का फैसला किया। लिहाजा माँ अटारिया ने रात्रि के समय स्वप्न में आकर राजा को दर्शन दिए और कुएं में मूर्तियां होने की बात बतलाई। माता अटारिया ने राजा रुद्र से कहा कि तुम्हारा राज्य हर प्रकार की दुख और आपदा से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारा कीर्ति और यश हमेशा कायम होगा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में दर्शन करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। ये 1200 ईस्वी से पूर्व का मंदिर है और इसमें महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जो है यहाँ शिकार खेलने आए थे, उनके रथ का पहिया बाहर वाले जो वटवृक्ष है, सॉरी अंदर वाला जो वटवृक्ष है वहाँ अटक गया था। आजकल वहाँ पे माता रानी का गर्भगृह है और विश्राम किया था उन्होंने बाहर वाले वटवृक्ष के नीचे। उनको एक स्वप्न आया था मुगल काल में जो मूर्तियाँ तोड़ के कुओं में नदियों में इनमें सब में दबा दी गई थी, तो ऐसा एक कुआ यहाँ भी था, तो उन्हें सपना आया कि मेरी मूर्तियाँ यहाँ दबी हुई हैं, इनको निकाला जाए, निकाल के यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए और यहाँ एक मेला लगाया जाए। तो उस समय के वो यहाँ राजा थे यहाँ के, उन्होंने तुरंत खुदाई कराई, उसमें से मूर्तियाँ वगैरह निकली और यहाँ की लगभग 300 बीघा ज़मीन यहाँ एक ब्राह्मण को जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे उनको दान दी और यहाँ से तभी से मेला लगना शुरू हो गया, जिसके बाद इसी जगह पर राजा रुद्रचंद्र ने साल 1600 ईस्वी में मूर्तियों को स्थापित कर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद से लगातार मंदिर में दर्शन और पूजन का क्रम जारी है। लेकिन इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद आज तक इस मंदिर में खूब अनदेखी हुई है। मंदिर समिति के सचिव अरविंद शर्मा बताते हैं कि 1983 में भूमिहीनों को सरकार ने मंदिर की जमीनें अलॉट कर दी, तब से यहाँ जमीनों की खूब खरीद फरोख्त हुई। लिहाजा यहाँ तक कि मंदिर की भूमि नक्शे में घोषित होने के बाद भी इन जमीनों पर आलीशान भवन बन गई। 1983 में यहाँ की जमीनें भूमिहीनों को अलॉट की गई, उसके बाद फिर उन्हें भूमिधरी के राइट्स दिए गए। जब उनके पास भूमिधरी के राइट्स आ गए तो वो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आप देखिए, कैमरा घुमाइए, चारों तरफ आपको बिल्डिंगें नज़र आएंगी, ये सब मेला भूमि नक्शे में घोषित है, उसके बाद भी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप इसे देखिए, आप इसकी लागत जो है सरकार 7 लाख रुपये बताती है, इसका रख रखाव की कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। अब आ जाइए आप मंदिर की, ये जहाँ मेला लगता है इसकी ज़मीन पर, यहाँ की ज़मीनें धर्म विशेष के लोग गलत तरीके से खरीद रहे हैं। मंदिर समिति के सचिव शर्मा की माने तो इस मंदिर से एक मिथक भी जुड़ा है। लिहाजा जो भी नेता इस मंदिर में आते हैं वह झूठे वादे कर चले जाते हैं, वादा पूरा नहीं होने के कारण दोबारा वह रुद्रपुर सीट को नहीं बचा पाते। दरअसल किस्सा से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बिहार ने तो यह सीट छोड़ ही दी। साल 2022 में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को भी रुद्रपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ बिहार साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण करूंगा, अगली बार वो विधायक जी नहीं थे। फिर दोबारा ठुकराल साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण करूंगा, वो दोबारा नहीं आए, वो भी विधायक जी नहीं रहे। अब जो है अरोड़ा जी आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए यहाँ पे कि मैं ये करूँगा और वो करूँगा, कुछ नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद अगली बार विधायक वो भी ना हो। तो आप मेरे से झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आप जैसे झूठ बोल के जा रहे हैं, आप उससे एक बार क्वेश्चन करें आके, चाहे मंत्री हों, संतरी हों या जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, वो अपने आप से पूछें कि उन्होंने यहाँ ही वादे किए या नहीं किए। सिर्फ वादे ही हैं और कुछ नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल श्राप है, बिल्कुल श्राप है, क्योंकि यहाँ से तिलकराज बिहड़ जी भी मंत्री या विधायक नहीं बन पाए। रुद्रपुर से नहीं बने वो वहाँ बने जाके। ठुकराल साहब दोबारा नहीं आ पाए, जिस बार वो कह के गए थे
उसके बाद वो दोबारा नहीं बने, शिव अरोरा जी कह के गए हैं अगर आपकी मेरी मुलाकात हो तो फोन कर लेना अगर दोबारा विधायक बन जाए तो। तो आपने सुना मंदिर समिति के सचिव अरविंद शर्मा को कैसे नेताओं को झूठे वादे करना उन्हें भारी पड़ गया और अपनी सीट ही बचानी मुश्किल हो गई। अब रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के सामने भी बड़ा धर्म संकट है, उन्होंने भी इस मंदिर के लिए वादे किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधायक अरोड़ा अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं या फिर उन्हें भी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक श्राप मिलने वाला है। दोस्तों आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं, और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।